बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, अपना जो टॉपिक चल रहा है फिजियोलॉजी का, पादप जल संबंध, ठीक है ना। इस टॉपिक में कल अपन विभिन्न प्रकार के दावों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से दाव पढ़े थे आपने? एक तो आपने पढ़ा था बेटा स्फीत दाव, जिसको मैंने इंग्लिश में बोला था टर्गर प्रेशर, ठीक है। एक आपने पढ़ा था परासरण दाब, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना बेटा। और एक अपन ने भित्ती दाब भी पढ़ा था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर, भित्ती दाब, ठीक है ना। उसके अलावा एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी डीपीडी, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण दाब न्यूनता। तो ये अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे जल संवहन से संबंधित विभिन्न दाबों के मध्य संबंध, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है, कल भी थोड़ा सा बता चुका हूँ। देखो, आपने कल एक शब्द पढ़ा था डीपीडी, है ना। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो डीपीडी का मान ओपी माइनस टीपी के बराबर होता है। आपको इन सब का मतलब मैं बता चुका हूँ। डीपीडी तो क्या होता है, विसरण दाब न्यूनता। ओपी किसे कहते हैं, परासरण दाब। और टीपी क्या होता है, स्फीत दाब। तो आप क्या बोल सकते हैं कि किसी विलयन की विसरण दाब न्यूनता, परासरण दाब व स्फीत दाब के अंतर के बराबर होती है, है ना। तो इसको अपन डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी कह के व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। कल आपको मैं दो अलग अलग अवस्थाओं में, ठीक है, डीपीडी की वैल्यू समझा चुका हूँ। जैसे कल मैंने बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोशिका की स्फीत अवस्था में, ठीक है ना। तो कल आपको मैंने समझाया था स्फीत अवस्था कौन सी होती है बेटा। स्फीत अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें पूरी की पूरी कोशिका जल से भरी होती है। तो जब कोशिका जल से भरी होती है तो उस कोशिका की डीपीडी शून्य होती है, यानी कि उस कोशिका की जल की मांग शून्य होगी, ठीक है ना। तो आपने कल लिखा था कि कोशिका की स्फीत अवस्था में डीपीडी का मान क्या होगा बेटा, जीरो, ठीक है ना। अब इस जीरो वाले फॉर्मूले को अपन इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, जीरो बराबर OP माइनस TP। तो स्फीत अवस्था में OP किसके बराबर आ जाएगा, TP के। तो ये तो स्फीत अवस्था में आपको याद रखना है, पहली चीज खत्म हो गई। दूसरी चीज इधर देखो, कोशिका की सलथ अवस्था में, कोशिका की सलथ अवस्था में, ठीक है ना। सलथ अवस्था में क्या होता है, डीपीडी का मान मैक्सिमम होता है, है ना। और कितना होता है देखो, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। सलथ अवस्था में टीपी का मान क्या होगा बेटा, जीरो, क्योंकि उस स्थिति में कोशिका में पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। तो टीपी का मान जीरो हो गया, टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब का, बैठ गया आपके समझ में। तो आप क्या लिख सकते हैं कि डीपीडी मैक्सिमम बराबर किसके हो गया बेटा, ओपी के। तो देखो, एक शब्द तो ये याद रखना पड़ेगा, दूसरा शब्द ये और ये याद रखना पड़ेगा। तो आपको बेटा याद रखने पड़ेंगे दोनों बातें, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी, कि कोशिका की स्फीत अवस्था में डीपीडी का मान शून्य होता है, विसरण दाब न्यूनता। कल आपको मैं इसकी परिभाषा भी बता चुका हूँ, है ना। आपको मैंने बोला था
के शुद्ध जल अथवा विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है, लेकिन जब विलायक में कोई विलेय पदार्थ डाला जाता है तो वने बिलियन का विसरण दाब शुद्ध जल अथवा विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। तो बेटा शुद्ध जल और शुद्ध जल में विलेय अणुओं के डालने से बने विलयन में विसरण दाब में जो अंतर होता है, जो न्यूनता आती है, जो कमी आती है, वही कमी विसरण दाब न्यूनता के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। अब विभिन्न प्रकार के जो दाब अपन ने पढ़े, इन दाबों में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, और ग्राफ भी बहुत सरल है, आपको मेरे बनाते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, देखो इस तरह से प्लॉट करेंगे बेटा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ परासरण दाब, परासरण दाब को किससे व्यक्त करते हैं, ओपी से। नीचे मैं क्या लिख दूंगा बेटा, स्फीत दाब, स्फीत दाब को किससे व्यक्त करते हैं, टीपी से, है ना। यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, समान वायुमंडलीय दाब, ताप भी कह सकते हैं, मतलब एक समान ताप और वायुमंडलीय दाब पर। यहाँ पे आपने परासरण दाब लिख दिया, यहाँ पे आपने स्फीत दाब लिख दिया, है ना। और यहाँ पे अपन लिख देंगे स्फीत कोशिका, और बीच में बेटा ये पूरी की पूरी डीपीडी है इस तरह से। अभी मैं समझाऊंगा तब सारी बात समझ में आ जाएगी आपके। ये जो कॉलम है ये विसरण दाब न्यूनता के लिए है, ये बन गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखिए, देखो यहाँ पर उधर तो लिखा है स्फीत कोशिका, यहाँ पर मैंने लिख दिया सलत कोशिका, मतलब जब कोशिका सलत अवस्था में होती है तो उसकी डीपीडी का मान अधिकतम होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होता है, सुन लिया। अब आगे चलो, जैसे जैसे कोशिका में जल का मान बढ़ता जाता है, ठीक है, यानी कि कोशिका में स्फीतता आती जाती है, यानी कि देखो ये लाइन ऊपर जा रही है बेटा, और ये लाइन किसके लिए है, स्फीत दाब के लिए, यानी कि स्फीत दाब का मान लगातार बढ़ रहा है, सुन लिया। और बेटा इसका मान यानी कि परासरण दाब का मान लगातार घट रहा है, आपका ये फॉर्मूला था ना, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, है ना। और इसमें मैं आपको परिभाषा भी बता चुका हूँ कि विसरण दाब न्यूनता का मान परासरण दाब और स्फीत दाब के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। अब आप सोचिए, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे बेटा अपन टीपी के मान को बढ़ाते चलते हैं, यानी कि कोशिका में जैसे जैसे अंतः परासरण की क्रिया के द्वारा जल का प्रवेश होगा, है ना, तो टीपी का वैल्यू बढ़ता चलेगा, टीपी का वैल्यू बढ़ता चलेगा, ये घटता चलेगा, है ना। और डीपीडी का मान टीपी के बढ़ने के कारण कम होता जाएगा, समझ गए आप। और वही बात आपको इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रही है, देखिए ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो कोशिका की अवस्था है ये वाली, यहाँ इसको तो अपन कोशिका की सलत अवस्था मान लेंगे कि यहाँ पर कोशिका में बिल्कुल भी पानी नहीं है, ठीक है। अब अंतः परासरण की क्रिया के द्वारा कोशिका में धीरे धीरे पानी प्रवेश करने लग गया, जैसे जैसे कोशिका में पानी प्रवेश करेगा
टीपी का मान निरंतर बढ़ता जा रहा है। देखो, और टीपी के मान के निरंतर बढ़ जाने के कारण एक अवस्था ऐसी आएगी, तब कोशिका पूरी की पूरी जल से फुल हो जाएगी और कोशिका की उस अवस्था को स्फीत अवस्था बोलेंगे, और कोशिका को स्फीत कोशिका बोलेंगे। और स्फीत कोशिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर तो डीपीडी का मान सर्वाधिक है, और जैसे जैसे टीपी का मान बढ़ा और ओपी का मान कम हुआ, डीपीडी की वैल्यू निरंतर घटती चली गई। बैठ गई समझ में? और एक अंतिम अवस्था में जाने के पश्चात, जिसे कि अपन कोशिका की स्फीत अवस्था कहते हैं, वहां पर जाने के पश्चात टीपी का मान मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना, ओपी का मान न्यूनतम हो गया, ठीक है, और उसी के परिणाम स्वरूप डीपीडी की वैल्यू, यहां पर जाकर डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? शून्य। यानी कि कोशिका की जल की मांग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह है, जल संवहन से संबंधित विभिन्न दावों में संबंध को एक ग्राफ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना, और वो ग्राफ आपके सामने मैंने बना लिया। क्लियर है? अब अपन एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इम्बिबिशन। क्या बोला मैंने? अभी लिख रहा हूँ। अगला टॉपिक जो है बेटा वो अपन पढ़ेंगे अंतः शोषण, ये नेक्स्ट टॉपिक है ना। और अंतः शोषण की क्रिया को इम्बिबिशन कहते हैं, सुन लिया। और इस क्रिया के अंदर जल का अवशोषण नहीं होता, अधिशोषण होता है, ठीक है ना। ये याद रखना बेटा कि अंतः शोषण, या इसका एक और नाम है अंतः चूषण। इस क्रिया के अंदर जल का अवशोषण नहीं बल्कि क्या होता है बेटा? अधिशोषण होता है। तो सबसे पहले तो अपन को इसकी परिभाषा पढ़नी है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे बेटा? किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा मैं इम्बिबिशन की परिभाषा लिख रहा हूँ बेटा। किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अधिशोषण करना अंतः चूषण या इम्बिबिशन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई बेटा। एक मिनट, आपको मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अंतः चूषण की परिभाषा क्या बोलोगे बेटा? ध्यान से देखिए, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अधिशोषण करना क्या कहलाता है बेटा? अंतः शोषण अथवा अंतः चूषण कहलाता है। एक्चुअल में ये क्या प्रक्रिया है बेटा? बहुत सरल है। क्या होता है कि कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी डीपीडी प्रारंभिक अवस्था में शून्य होती है। बैठ गया आपके समझ में? मतलब उनको बिल्कुल भी जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। पर जब ऐसे ठोस पदार्थों को जल की प्राप्ति होती है या उन ठोस पदार्थों को जल मिलता है, बैठ रही आपके समझ में, तो उस स्थिति में उनके अंदर डीपीडी लागू हो जाती है
और वो ना जल का अधिशोषण करना प्रारंभ कर देते हैं, और यही प्रक्रिया बेटा इम्बिविशन या अंतः शोषण या अंतः चूषण के अंतर्गत आती है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आप समझ सकते हैं, बरसात के दिनों में बेटा किवाड़ों का फूलना, आपने भी देखा होगा कि जो लकड़ी के बने किवाड़ होते हैं वो सूखे होते हैं, ठीक है ना, उन किवाड़ों की DPD शून्य होती है क्योंकि उनको ना जल की आवश्यकता होती नहीं है, बैठ गई समझ में। लेकिन जब निरंतर किवाड़ के ऊपर बरसात का जल आकर के गिरता है, ठीक है, तो उसमें ना एक तरह से जल को एक्सेप्ट करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वो निरंतर जल का अधिशोषण करते हुए फूल जाता है। तो ये जो क्रिया हो गई ना बेटा, ये क्रिया कहलाती है वास्तव में अंतः शोषण या अंतः चूषण। सुन ली ना आपने, हो गया बेटा। एक बार दोबारा से इम्बिविशन के बारे में सुन लें, फिर अपन को इसका महत्व पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए, अंतः शोषण बोल दीजिए या अंतः चूषण बोल दीजिए, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इम्बिविशन। क्या परिभाषा है इसकी, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अधिशोषण करना अंतः शोषण या अंतः चूषण या इम्बिविशन कहलाता है। और बेटा आपको मैं ऐसे भी समझा चुका हूँ, देखो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कोलाइडी बोल दीजिए, जिनकी प्रारंभिक अवस्था में DPD शून्य होती है, सुन लिया, परंतु जब इन पदार्थों को जल अवेलेबल होता है तो उस स्थिति में इनके अंदर DPD लागू हो जाती है और ये निरंतर जल का अधिशोषण करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी बात इम्बिविशन के अंतर्गत आएगी, अंतः चूषण या अंतः शोषण। अब अपन पढ़ते हैं अंतः शोषण का महत्व। अंतः शोषण का महत्व, तो देखो बेटा एक बात तो इसमें आपको मैं बता ही चुका हूं, क्या, बरसात के दिनों में किवाड़ों का जल ग्रहण कर फूल जाना। कई बार ये चीज़ कंपटीशनों में आ चुकी है बेटा कि बरसात में किवाड़ों का फूल जाना किस क्रिया पर आधारित होता है, तो आपको उसमें अंतः शोषण अथवा अंतः चूषण अथवा इम्बिविशन के बारे में बताना पड़ेगा। एक और बात सुन लीजिए, यह क्रिया बड़ी चट्टानों को तोड़ने में सहायक है, बड़ी चट्टानों को तोड़ने में सहायक है। कैसे तोड़ सकती है इम्बिविशन की क्रिया, देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि मान लीजिए ये मैंने कोई चट्टान बना दी, ठीक है ना, और इस चट्टान के भीतर मान लो ये तरेल हो रही है, तरेल का मतलब समझ गए, एक छोटे वाला गैप है ना, तो इस छोटे वाले गैप के अंदर कोई लकड़ी फंसा देते हैं, सुन लिया, और लकड़ी के एक किनारे को बेटा जल के संपर्क में रखते हैं, है ना। तो बेटा ये जो लकड़ी है ना, इम्बिविशन की क्रिया के द्वारा जल को निरंतर ग्रहण करती रहेगी, बैठ गई आपके समझ में, ये फूलने लगेगी और इसके फूलने से चट्टान की जो दरार है वो बड़ी हो जाएगी
और जब चट्टान की दरार बड़ी हो जाएगी तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकेगा। तो बेटा मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि चट्टानों को तोड़ने में इस क्रिया का रोल होता है। कौन सी क्रिया का? इम्बिविशन का। तीसरे पॉइंट पर आइए, अधिपादप ऑर्किड प्लांट्स, अधिपादपों की आर्द्रता ग्राही मूलें जल का अवशोषण अंतः शोषण की क्रिया द्वारा करती हैं। सुन लिया आपने? एक मिनट और। बीजाणु धानियों का स्फुटन इम्बिविशन की क्रिया पर आधारित होता है। एक और बात कह देता हूँ, इस क्रिया द्वारा अंकुरित बीज जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है ना? तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो इम्बिविशन की क्रिया के महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अपन ने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं बेटा, देखिए आप एक एक करके सबको मैं बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो कंपटीशनों के हिसाब से बेटा ये दो पॉइंट हैं, है ना, कि बरसात के दिनों में लकड़ी की बनी खिड़कियों एवं किवाड़ों का फूल जाना इम्बिविशन या अंतः शोषण की क्रिया पर आधारित होता है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि इस क्रिया के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता है। आपको मैं ये भी समझा चुका हूँ कि किस प्रकार इम्बिविशन के द्वारा चट्टानों को तोड़ सकते हैं। एक बार फिर कह देता हूँ कि चट्टान की छोटी दरारों के अंदर लकड़ी फंसा दी जाती है और लकड़ी के एक सिरे को जल के संपर्क में रखा जाता है, तो जल का अधिशोषण करके लकड़ी फूल जाती है बेटा, और फूलने के पश्चात लकड़ी फूल गई और फूलने के पश्चात वो जो चट्टान में पाई जाने वाली पतली दरार थी वो चौड़ी हो जाती है, और जब चट्टान में उपस्थित दरार चौड़ी हो जाती है तो उसे चट्टान को तोड़ना भी आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा देख लो आप, एक अपन ने तीसरे पॉइंट में लिखा है कि अधिपादप, आप जानते होंगे अधिपादपों को इंग्लिश में कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं अपन, ऑर्किड्स या ऑर्किड प्लांट कहते हैं, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि जो नाम से ही पता चल रहा होगा, अधिपादप कैसे पादप होते हैं बेटा, ऐसे पादप जो दूसरे पादपों के ऊपर विकसित होते हैं, यानी कि अपने पोषण के लिए दूसरे पादपों पर आश्रित रहते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, जमीन में नहीं होती, स्वतंत्र वायुमंडल में बिखरी रहती हैं, और बेटा वायुमंडलीय नमी का अवशोषण करती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्किड प्लांट्स की जो आर्द्रता ग्राही मूलें होती हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण भी इम्बिविशन की क्रिया द्वारा प्रेरित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, इसमें आप फल भी कह सकते हैं बेटा। फलों बीजों और बीजाणु धानियों का स्फुटन इम्बिविशन की क्रिया द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि ये ना जो अंग अपन ने बोले हैं, बीजों के तो अंकुरण की बात की जा रही है, एक्चुअल में इस क्रिया के द्वारा फल एवं बीजाणु धानियां जल का अवशोषण करती हैं, मीन्स अधिशोषण, जल का अधिशोषण कर लिया और जल का अधिशोषण करने के पश्चात फट जाती हैं, ठीक है।
जिससे फलों के प्रकीर्णन में या बीजों के प्रकीर्णन में मदद मिलती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपने बोला कि अंकुरित जो बीज होते हैं वो भी जल का अवशोषण इम्बिबिशन की क्रिया द्वारा करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में आज आपको मैंने कौन कौन से प्रश्न बताए बेटा? सबसे पहला प्रश्न तो आपको मैंने क्या बताया, विभिन्न प्रकार के दाब, कौन कौन से दाब, हालांकि उनके बारे में अपन कल पढ़ चुके थे, भित्ति दाब है, स्फीत दाब है, परासरण दाब है, ठीक है, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी कि डीपीडी है, जल की मांग, ठीक है ना। अच्छा, ये तो विभिन्न प्रकार के दाब हो गए। तो एक तो आपने कोशिका की स्फीत एवं सलत अवस्थाओं में डीपीडी के मानों के बारे में समझा, क्लियर है। और दूसरे बेटा, विभिन्न प्रकार के दावों को डीपीडी सहित ग्राफ के द्वारा स्पष्ट किया, ठीक है। फिर अपन ने एक नया प्रश्न पढ़ा, है ना, अंतः चूषण या शोषण क्या है, इम्बिबिशन, और इम्बिबिशन का महत्व लिखिए। और आपको मैंने उसमें बताया कि इम्बिबिशन के महत्व में दो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से बेटा, कई बार कंपटीशनों में पूछे जा चुके हैं। एक तो बरसात के दिनों वाला, कि बरसात के दिनों में लकड़ी की खिड़कियों और दरवाज़ों का फूलना किस क्रिया पर आधारित होता है, तो उसमें आपको यही बोलना है, कौन सा, इम्बिबिशन। और दूसरी बात बेटा, चट्टानों को तोड़ने में इम्बिबिशन क्रिया का योगदान होता है, ठीक है, वो भी आपको मैं समझा चुका हूँ कि किस प्रकार इम्बिबिशन की क्रिया के द्वारा चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक छोटा सा प्रश्न और आप सीख लीजिए, ठीक है। आपके सामने दो कोशिकाएं मैंने लिखी हैं, एक कोशिका तो बेटा ये बना रखी है ए, और दूसरी कोशिका आपके सामने मैंने ये बना रखी है बी, दो कोशिकाएं हैं। इस कोशिका में ओपी का मान मैंने 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दिया और टीपी का मान 2 लिख दिया, ठीक है ना। और जो ये बी वाली कोशिका आपके सामने पड़ी हुई है ना, इसमें मैंने ओपी का मान 4 और टीपी का मान, चलो 2 ही लिख दिया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इन दोनों कोशिकाओं को यदि संपर्क में रखा जाता है तो जल का प्रवाह कौन सी कोशिका से कौन सी कोशिका की ओर होगा, ठीक है बेटा। ये जो आपके सामने प्रश्न हल किया जा रहा है ये भी कंपटीशनों में आया हुआ है ना, डीपीडी पर बेस्ड है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, सुन लो आप। देखो, सबसे पहले तो आप डीपीडी की वैल्यू दोनों के अंदर निकाल लो। बताइए जरा कैसे और कौन से सूत्र से निकालेंगे। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, तो इसके अंदर डीपीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और इसके अंदर डीपीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, है ना। तो बताइए दोनों कोशिकाओं में से किस कोशिका में डीपीडी का मान ज़्यादा है, तो कौन सी कोशिका बताओगे, ए में। अब गौर करो, जिस कोशिका की डीपीडी का मान जितना अधिक होगा, इस कोशिका की ज़्यादा है ना, तो बेटा इस कोशिका की जल की मांग भी ज़्यादा होगी, यानी कि इस कोशिका को जल की आवश्यकता ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब आप कह सकते हैं कि दोनों कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। क्यों होगा बी से ए की ओर, क्योंकि बी कोशिका की जल की मांग अपेक्षाकृत कम और ए कोशिका की जल की मांग अपेक्षाकृत ज़्यादा है। ओके, कल आपका ये लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध ख़त्म कर दिया जाएगा।
इसमें कुछ अंतर वगैरह है वो आप स्वयं पढ़ना, कोई भी समस्या आए तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू।